हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चना और तोरी की सब्जी का। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ले लीजिए कढ़ाई, उसमें डालें तेल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे डालेंगे प्याज, चना को इसमें रात भर सोख करके रखना है। और ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट को, जब तक इसका कच्चा स्मेल खत्म ना हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना पाउडर मसाले। पानी इसलिए ऐड किए ताकि पाउडर मसाला एकदम से जल ना जाए, इस वजह से। ये देखिए, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, आप ये अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डाल लिए। लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च, ये मैं घर पे दरदरा सा पीस के रखती हूँ, मैं बाहर से काली मिर्च का पाउडर नहीं मंगाती। और ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, ये भी मैं घर पे बना के रखती हूँ। और ये गया थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। अब इन सब मसालों को, पाउडर मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करी थी, मसाले देखिए कितने अच्छे से भून गए, है ना। थोड़ा सा पानी ऐड किए यहाँ पे, और फिर अब हम लोग इसमें अपना ऐड करेंगे चना, जो हम लोग रात में भिगो के रखे थे। ये भिगोया हुआ चना है। अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, नमक मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करती हूँ इस तरह की सब्ज़ी में, क्योंकि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा होता है तोरी, और फिर बन के थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं थोड़ा लास्ट में ही नमक डालती हूँ। सॉरी। ये देखिए, मैं अब इसमें डाल दूँगी सारे चने अपने, और इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनूंगी मैं मसालों में। ये देखिए, हमारा चना मसालों के साथ बहुत अच्छे से भून चुका है, तो इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा पानी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें ऐड कर दूंगी तोरी अपना। तोरी को अच्छे तरीके से चनों में मिक्स करूंगी। तोरी और चने को अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें ढक्कन लगा दी हूँ, पानी नहीं डाली, जो थोड़ा सा चने में पानी डाली थी वही पानी था, और तोरी अपना पानी खुद ही छोड़ता है। ये देखिए कितना सारा पानी छूट गया है। इसको अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के हम लोग पकने देंगे, फिर ढक्कन हटा के हम लोग यहाँ पर अभी चेक कर लेंगे कि क्या हाल है हमारी सब्जी का। ये देखिए, यहाँ पे मैं चने को चेक कर रही हूँ, ये अभी नहीं गला है, इसमें थोड़ा सा भी कसर बाकी है, तो मैं इसको फिर से ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँगी, ये देखिए, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए।
और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के रख दूंगी। पानी मैं इसमें एक्स्ट्रा बाद में बिल्कुल भी नहीं ऐड करी हूँ। और ये सब्जी आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए मैं फिर से ढक्कन हटा के देख रही हूँ, यहाँ पे हमारा चना बिल्कुल गल चुका है थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है।